नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राकेट टिकेत, बोले नई क्रांति की जरूरत है। जी हाँ, अब देश में एक बार फिर से होगा दोस्तों बड़ा आंदोलन, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के असद दिनवैसी, बोले महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करती भाजपा, सिर्फ दिखावा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, नितिन गडकरी को हटाना यानी के आरएसएस पर हमला करना, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर नीतीश कुमार के काफिले पर हमला होने के बाद भड़के तेजस्वी यादव, बोले इसमें भाजपा का है हाथ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों त्यागी समाज ने लगाया बीजेपी के बहिष्कार का वोट, बोले त्यागी से वोट मांगने ना आए भाजपा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, चार पांच दिनों में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा, बताया जा रहा है कोई कांग्रेस का गैर कांग्रेसी होगा राहुल गांधी के अलावा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी का सुबह होते से ही शुरू हो जाता है ईडी और सीबीआई खेलो, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी को लगे बड़ा झटका, दरअसल दो लोगों के पद छीनने के बाद बीजेपी में बगावत मच गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल इनके लिए देश की आजादी का मतलब है भाग जाओ, जब देश लड़ रहा था तो हम लोग जो यहाँ पर भाग ले रहे थे और ये भाग रहे थे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे दोस्तों, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल किसान आंदोलन में बवाल होने के बाद आज किसान सड़कों पर उतर गए। जी कई जगह किसानों ने धरना प्रदर्शन कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों, किसानों में रोष आ गया। दरअसल कल किसान नेता राकेट टिकैत की गिरफ्तारी कर ली गई थी दिल्ली बॉर्डर से। आपको बता दें, किसान नेता गाजीपुर से दिल्ली जा रहे थे, बताया जा रहा है किसी आंदोलन में, लेकिन उनको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। ये जानकारी खुद राकेट टिकैत ने दी थी अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। राकेट टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है और हमें दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। अब आप समझिए, उनके थोड़े से समर्थक थे, उनके साथ दिल्ली ही नहीं जाने दिया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, किसान नेता राकेट टिकैत ने कहा कि ये नए क्रांति की आंदोलन की क्रांति है और वो जो है यहाँ पर इस क्रांति को आगे लेकर जाएंगे। किसान नेता राकेट टिकैत ने साफ कहा कि फिलहाल अब वो बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब देश में दोस्तों एक आंदोलन की जरूरत है और वो आंदोलन अब देश में होकर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेट टिकैत ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उनको रोकने की कोशिश कर रही है ताकि देश में बदलाव ना हो। आपको बता दें दोस्तों, अब ये तो पता नहीं कि राकेट टिकैत को भारतीय जनता पार्टी ने किस डर से गिरफ्तार करा लिया, लेकिन ये पक्का है कि किसान नेता राकेट टिकैत से दोस्तों बीजेपी बहुत डरी हुई है, क्योंकि सब जानते हैं कि किसानों ने जो धरना दिया था उसका असर क्या हुआ था, और यही बात है जो बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसलिए बीजेपी दोस्तों अच्छे से सतर्क है कि अगर एक बार फिर से किसान नेता राकेट टिकैत ने वही किया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी भाजपा के लिए, और भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी। इसीलिए किसान नेता राकेट टिकैत को उन्होंने वहीं पर बॉर्डर पर ही जाने से रोक लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब किसानों का हुजूम उतर आया है और उन्होंने राकेट टिकैत को सपोर्ट किया है। सभी के सब किसान का एक ही चीज कहना है कि सरकार ने किसानों से एमएसपी का वादा किया था लेकिन दी नहीं गई। अब दोस्तों ये तो साफ सी बात है कि अगर किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है तो किसान एक बार फिर से सड़क पर उतर सकता है, और उतरने का मतलब भी आप अच्छे से जानते हैं कि सरकार को एक बड़ा झटका लगेगा इसमें, क्योंकि फिलहाल इस वक्त सरकार की पूरी तरीके से बैंड बज चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्ज है। दोस्तों आपको बता दे तेजस्वी यादव बोले बीजेपी ने कराया ये हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दे नीतीश कुमार के काफिले पर कल हमला हो गया। हालांकि उसमें नीतीश कुमार बताया जा रहा गाड़ी में नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जो यहाँ पर दोस्तों अपनी मीटिंग के लिए जाने वाले थे, जिसके बाद भाजपा ही वहां पर आ गए। और बताया जा रहा है जिन लोगों ने नीतीश के ऊपर लाठी डंडी से हमला किया दोस्तों वो भाजपा के ही हैं। जी हाँ, तेजस्वी ने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी कुछ भी कर सकती है और वो सब के सब बीजेपी के ही आदमी दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों बीजेपी के हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतनी चीज तो तय हो चुकी है कि फिलहाल बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि नीतीश और तेजस्वी ने गठबंधन में सरकार बना ली है। ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से नीतीश और खास कर दोस्तों नीतीश और तेजस्वी की जो जोड़ी बनी है उसको किसी तरीके तोड़ दे। और यही बात कहीं ना कहीं तेजस्वी को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए तेजस्वी ने जमकर भाजपा पर हमला बोला और साफ बोल दिया कि इसमें भाजपाइयों का हाथ है, क्योंकि ऐसी चीजें दोस्तों आए दिन अक्सर भाजपा ही करती रहती है। अब ये तो साफ है कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके की कारनामे कर रही है उसके ऊपर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि नीतीश के ऊपर ये जो हमला हुआ है ये किसने कराया, क्योंकि दोस्तों बिहार में सिर्फ एक ही आदमी को फायदा है इससे, जानबूझकर नीतीश के ऊपर हमले कराने से, क्योंकि भाजपाइयों को मिर्ची लगी हुई है कि बिहार की गठबंधन की सरकार कैसे गिर सकती है डबल इंजन की सरकार। लेकिन दोस्तों नीतीश ने आम जनता के लिए बहुत बढ़िया फैसला लिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा नहीं रुक रहा, आज कोर्ट में लिया जाएगा बड़ा फैसला। आपको बता दोस्तों बिल्किस बानो के समर्थन में कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में साफ साफ कहा गया है कि जिन लोगों को छोड़ा गया है उनको तत्काल में गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिन लोगों को जो है यहाँ पर छोड़ दिया गया है वो एक बहुत बड़े क्रिमिनल है, कोई छोटे मोटे क्रिमिनल नहीं है दोस्तों। आप समझिए चार चार लोगों को मारा था और बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने दोस्तों आप समझिए दुष्कर्म किया था, और सिर्फ बिल्किस बानो के साथ नहीं दोस्तों उनके परिवार की 4 औरतों के साथ दुष्कर्म किया गया था 11 लोगों द्वारा। उसके बाद दोस्तों उन औरतों को मार दिया गया था, उसमें से बिल्किस बानो अपनी जान बचाते हुए बड़ी मुश्किल से आदिवासी समाज के पास पहुंची थी, जिसके बाद आप समझिए उनके पास कपड़े तक नहीं थे और आदिवासियों ने उन्हें कपड़े दिए थे। जी हाँ, अब मैं बता नहीं सकता खुलकर, लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों कपड़े नहीं होने का मतलब क्या है। और आप समझ लीजिए दोस्तों कि ऐसे लोगों को रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ताकि आगे भी वो इसी तरीके के कारनामे करे। तो आखिरकार दोस्तों सरकार बताने की क्या कोशिश कर रही है ये समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अब गुजरात के चुनाव आ गए तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप किसी की जिंदगी से इस तरीके से खेलोगे। दोस्तों आप समझिए बिल्किस बानो का साथ दिया उनके हस्बैंड ने और सच्चाई के लिए अंत तक दोस्तों वो लड़ती रही। डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट के खिलाफ भी मुकदमा किया, पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी थी उनकी, उनके खिलाफ भी वो केस लड़ी, और जितने भी लोगों ने झूठ बोला था उन सबकी पोल खुली अस्पताल से लेकर, तो दोस्तों आप समझिए एक एक चीज तक की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को तब भी पूरा दबाने की कोशिश की थी और आज भी वो वही कर रही है उसके गुनहगारों को छोड़कर। दोस्तों आप समझिए इससे बड़ा और ज्यादा हमारे देश में बुरी चीज क्या होगी कि इतने बड़े जिन लोगों ने क्राइम किया उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये तो अपने आप में ही दोस्तों एक बड़ी बात है कि आप ऐसे लोगों को छोड़ रहा हो जो लोग कहीं ना कहीं महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और रिस्पेक्ट के साथ साथ दोस्तों ऐसे लोगों को बढ़ावा भी दिया जाता है कि वो आगे भी यही करें, तो फिर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखना बेकार है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप ऐसे लोगों को छोड़ रहा हो तो कल को आप उन सबको छोड़ोगे, कि कर जिन लोगों के ऊपर रेप के आरोप है, बीजेपी के कई नेता जेल में बने दोस्तों जिनके ऊपर ये आरोप है उनको भी ये कहकर छोड़ दिया जाएगा ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। आप समझिए रेपिस्ट अच्छे लोग हो जाते हैं बीजेपी के लिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमने आप लोगों ने एक ऐसी सरकार चुनी है जनता ने दोस्तों, जो अंधभक्त जनता है जो बीजेपी को जिसने वोट दिया है ये सोचकर चुना होगा कि अच्छा काम करेगी, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं है और आप देख भी रहो बखूब। लेकिन ये साफ हो जाता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से देश को एक तरीके से बेजार करने का काम किया है।
लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को इसका फल भी मिलेगा दोस्तों। बहुत जल्दी ये सरकार गिरने वाली है, और यकीन मानिए दोस्तों इस सरकार के गिरने से बहुत बड़ा झटका लगेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है ये सब जानना है, और बीजेपी को दोस्तों ये झटका लगना भी चाहिए, क्योंकि हमने भी पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझ में नहीं आती है दोस्तों, और इसलिए नहीं आती है क्योंकि बीजेपी जो कर रही है वो देश के हित में नहीं है, और अब जब देश के हित में कोई चीज नहीं होगी दोस्तों तो जाहिर सी बात है देश की जनता उसका सपोर्ट भी नहीं करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से एक बड़ा झटका लगेगा, और वो बड़ा झटका होगा देगी दोस्तों जनता, क्योंकि इनको वोट ना देना ये सबसे सही सटीक मामला है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी सुबह होते से ईडी और सीबीआई खेलना शुरू कर देती है। दरअसल दोस्तों आपको पता हो अरविंद केजरीवाल के खास मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ी थी। रेड पड़ने के बाद उनके ऊपर अजीब अजीब तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी कहा जा रहा है उन्होंने 144 करोड़ का घोटाला किया है, तो कोई बीजेपी का नेता कह रहा है कि 8000 करोड़ का किया है, और ये कोई कौन है, मनोज है दोस्तों जी, है मनोज तिवारी। लेकिन अब इसको लेकर जो यहाँ पर सीधे सीधे केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है सिसोदिया खिलाफ, ये सिर्फ गुजरात चुनाव की वजह से हो रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों गुजरात में बहुत जल्द चुनाव की तारीख तय होने वाली है, और ऐसे में दोस्तों कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों अपनी अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके सत्ता को पाले, लेकिन जाहिर सी बात है सत्ता उसी की होगी जिसको में दम होगा। और यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जीतते हुए नजर आ रहा है गुजरात में, इसलिए अब बीजेपी ने ये करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है दोस्तों आखिरकार इसका फायदा क्या है? आप समझिए किसी को डरा धमका कर या उसके ऊपर सीबीआई रेड पड़ाकर तब भी रुकने वाला तो है नहीं सामने वाला, तब भी वो जो है यहाँ पर सीएम पद पर रहेगा और सामने वाला तब भी चुनाव लड़ेगा दोस्तों। लेकिन अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बीजेपी पूरी मुमकिन कोशिश कर रही है, और ये आप भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अच्छा काम करते हैं इसलिए बीजेपी उनके पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं कि उनका कोई विपक्ष तैयार हो दोस्तों। और अरविंद केजरीवाल को लोग आजकल काफी पसंद कर रहा है, और बीजेपी इसीलिए पूरी तरीके से बौखला चुकी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को तो एक बड़ा झटका लगा ही है दोस्तों, लेकिन ये साफ हो जाता है कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी को दोस्तों इस बार न जनता वोट देगी और न कोई और सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चार पांच दिन में दोस्तों तय हो जाएगा कांग्रेस का अध्यक्ष। जी हाँ, चार पांच दिन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के लिए बताया जा रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो बाहर का अध्यक्ष चाहते हैं। जी यानी कि पार्टी के बाहर का अध्यक्ष कोई कांग्रेसी ना हो बल्कि कोई बाहर का व्यक्ति हो जो कि सारा मामला संभाले। दरअसल दोस्तों बीजेपी हमेशा कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाती रहती है कि कांग्रेस जो है वो परिवार की पार्टी है, जबकि दोस्तों आप खुद भी जानते हैं कि कांग्रेस में पिछले 20 साल से समझ लीजिए कोई भी कांग्रेस का पद पर नहीं बैठा होगा, कांग्रेस का ही व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर तब भी बीजेपी के पास ये एक जुमला है जिसके चलते वो राहुल गांधी को बार बार बदनाम करती है पूरी कांग्रेस को। लेकिन दोस्तों इस बार जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, और वो बड़ा फैसला ये है दोस्तों कि इस बार कांग्रेस के बाहर का अध्यक्ष होगा। बताया जा रहा है कांग्रेस के बाहर के अध्यक्ष को लेकर जो यहाँ पर सोनिया गांधी और प्रियंका और राहुल गांधी में जो यहाँ पर बातचीत हुई है, और चार से पांच दिनों में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव हो जाएगा। दरअसल दोस्तों अब कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव होना जरूरी भी है, या आप भी जानते हैं कि कुछ दिनों में जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, एक से डेढ़ साल बचा है बस, और दोस्तों इससे पहले कांग्रेस को एक अध्यक्ष की जरूरत है। देखिए ये बात सच है कि राहुल गांधी पार्टी में सारे फैसले लेते हैं, लेकिन अध्यक्ष की एक अलग बात होती है दोस्तों, अध्यक्ष जो है वो एक अलग फैसले लेता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी को शायद ये लग गया है कि फिलहाल अध्यक्ष का चुनाव अब करना बहुत जरूरी हो चुका है। ऐसे में अब अध्यक्ष के चुनाव करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी, और देखना ये भी होगा कि फिलहाल राहुल गांधी का ये फैसला जो यहाँ पर कितना जरूरी हो जाता है।
क्योंकि कांग्रेस के लिए दोस्तों अध्यक्ष की जरूरत थी और इसीलिए अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं कि बाहर का होना चाहिए या फिर कोई कांग्रेस का, तो जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों राहुल गांधी, बोले देश में महंगी महंगाई गरीबी और बेरोजगारी लेकिन नरेंद्र मोदी अनजान। जी हां दरअसल दोस्तों आपको बता दें देश का प्रधानमंत्री अनजान है महंगाई गरीबी और बदहाली से, इसीलिए एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री को ये ही नहीं पता है कि देश में महंगाई गरीबी और बेरोजगारी कितनी फैल रही है, जिसको लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया। राहुल गांधी का कहना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी महंगाई और गरीबी पर बात नहीं करते, इनके मुद्दे दोस्तों कुछ और ही है। आप समझिए अभी भी हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद पर ही बात चल रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी भड़क गए और उन्होंने सरकार के ऊपर निशाना साध दिया। राहुल ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जानबूझकर गरीबी और बेरोजगारी पर बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन मुद्दों पर बात होगी तो दोस्तों जनता जो है वो सरकार की बखिया उधेड़ने का काम करेगी, और ये आप भी जानते हैं कि पूरी तरीके सरकार जो है वो लाचार हो चुकी है। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि फिलहाल सरकार को आखिरकार जनता कब उठाकर दोस्तों सत्ता से बाहर फेंकेगी, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा है कि फिलहाल ये सरकार किसी काम की नहीं है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताया त्यागी समाज ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, बाहर लगाए गांव के बाहर लगे बोर्ड, बीजेपी का आना सख्त मना। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको किसान आंदोलन का माहौल तो याद ही होगा, अब दोस्तों किसान आंदोलन का माहौल जो है वो त्यागी समाज में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें दरअसल जब बीजेपी नेता का वो बयान आया कि सारे त्यागी समाज का कि हम किसी त्यागी समाज को नहीं जानते, उसके बाद दोस्तों त्यागी समाज बीजेपी से भड़क गया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हर जगह बायकॉट करना शुरू कर दिया। आपको पता हो दोस्तों कि बीजेपी जगह जगह इसी तरीके कारनामे करती है और जितने भी समाज है वो धीरे धीरे कर बीजेपी से टूटते जा रहा है। यकीन मानिए आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा, जहां पर बीजेपी को कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि एक एक कर विपक्ष पार्टियों को तो गिरा ही दिया अपने सहयोगियों को, और दोस्तों अब आम जनता भी बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। जो लोग मोदी सरकार को वोट देते थे वो खुद ही दोस्तों उनका मोह भंग हो चुका है, तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि बीजेपी के जो आने वाले दिन है वो काफी बुरे साबित हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अब की बार बीजेपी दोस्तों कई राज्य हारती भी नजर आ रही है। सबसे खास इसमें से दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जिसमें कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है, गुजरात है, कई जगह ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका दे सकती है कांग्रेस। और यकीन मानिए कांग्रेस का कार्यकाल भी काफी अच्छा रहता है, जब दोस्तों अगर हिमाचल में कांग्रेस आई तो इस वक्त बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक एक कर बीजेपी अपने सारे राज्य खो रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब बिल्किस बानो के केस पर आज होगी कोर्ट में सुनवाई, सुनवाई में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों बिल्किस बानो के जो है यहाँ पर गुनहगारों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बड़े ही आराम से बैठ गई, बीजेपी को लगा कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन दोस्तों बिल्किस बानो जैसे ही आरोपी छूटे वो 11 रेपिस्ट, उसके बाद तो जैसे थे कि दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर हुजूम उमड़ गया। आपको बताता चलूं यहां पर सरकार के खिलाफ जमकर हंगामे हो रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं कि फिलहाल इन जिन लोगों को छोड़ा गया उनको वापस जेल में डाला जाए, क्योंकि वो सबके सब दोस्तों आप समझिए बिल्किस बानो के आरोपी। अब ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आज एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है जिसमें वापस से उन लोगों को जेल भेजा जाएगा जो लोग दोस्तों बिल्किस के गुनहगार थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि बीजेपी अपने लोगों को बचाने के लिए इस केस को थोड़े दिन तक जो है यहाँ पर अटकवा दे, लेकिन इस वक्त मामला बहुत गर्म चल रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो का जो मैटर है दोस्तों बहुत सेंसिटिव मैटर है, इस पर बड़ी ही समझदारी से बात करना जरूरी होता है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि बिल्किस बानो के साथ क्या किया गया था और उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक है दोस्तों तब तक तो इंसाफ की उम्मीद छोड़ ही दो आप लोग। बीजेपी दोस्तों ना खुद इंसाफ करती है और ना इंसाफ किसी को मिलने देती है, क्योंकि बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है लोगों में फूट डालो और अपनी राजनीति करो। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि